सो गाइस, आज मैं वीडियो बना रही थी, मतलब सब्जी की रेसिपी शूट कर रही थी, तो उस टाइम पे जो है ना मोबाइल की बैटरी चली गई, और तो फिर वो वीडियो मेरा रह गया ऐसे ही, ठीक है। तो और उसके बाद मैं जो जैसे ही मैंने मोबाइल लगाया, सिर्फ 10% जो है चार्ज हुआ मोबाइल, उसके बाद चली गई लाइट, तो वो चार्ज भी नहीं हो पाया। तो थोड़ी बहुत तो वीडियो जो है ना उस टाइम पे शूट करी मैंने, और फिर पूरा मोबाइल जो है मेरा स्विच ऑफ हो गया था। और अभी मैं शाम के टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ, क्या? नहीं 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 हाँ, जा रही तो हो रहे हैं, तो सो रहे हैं। चाचा भी आ गए हैं आज हमारे, तो चाचा बार बार उसको ठोक दे रहे हैं, जैसे ही उठ रही वैसे ही वो सो जा रही है दोबारा से, उसको ऐसे ऐसे थपकी दे दे के सुला रहे हैं आराम से। और सब लोग ऊपर जा चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो आज हम जो है खाना, मतलब रात का जो डिनर है हमारा, वो हम ऊपर छत पर बनाएंगे, लेकिन हम हो गए लेट। वैसे तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा प्लान जो है कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऊपर जो है ना, रात तो हो गई है लेकिन ऊपर लाइटिंग वगैरह लगानी पड़ रही है, और चिकन मटन दोनों ही आ गए हैं, तो ये बारबेक्यू बनाएंगे साथ में, मटन का सालन बनाएंगे चूल्हे पे ही। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है चूल्हे पे खाना बन रहा है। चूल्हा बहुत टाइम का जो है तैयार था, लेकिन आज उस पर बनाने का मौका मिल रहा है। तो उस मम्मी चूल्हे वूल्हे को जला रही हैं, तब तक मैंने सब्जियां धो ली हैं, मतलब नॉन वेज धो लिया है सारा, प्याज लहसुन अदरक की सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, जिससे कि मेरा जो है टाइम बच जाए, क्योंकि मार्केट से आने में भी टाइम लगता ही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर देखने के लिए कि इन लोगों ने क्या व्यवस्था की है। फिर उसके बाद मुझे चिकन को मैरिनेट करके भी रखना है 2 घंटे के लिए, तो वो भी मैं करके रखूँगी, ठीक है। और ये थोड़े से बर्तन भी हो गए हैं, तो बर्तन भी मुझे साफ़ करने हैं। तो चलो गाइस, अभी ऊपर चलते हैं, देख के आते हैं कैसी क्या व्यवस्था की जा रही है ऊपर। लाइट तो लग रही है, टंकी भर गई, तो नीचे बंद कर आई हूँ मैं। और ये चिपचिपा रहे होंगे यहाँ पे, देखो सारी लकड़ियाँ। थोड़ा सा और जेल में करते हैं ना, सही रहता बहुत। यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह सब निकाल के रख ली हैं, तो ये भी निकाल लिया है। जब हम लोग शिवरी में थे तो हमने इस पे चिकन ही भूना था, चिकन में था या मटन था वो, उस टाइम पे जब हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, तब तभी का ये रखा हुआ है। यहाँ हमें कोले वगैरह लगे जाएंगे अंदर। चलो यहाँ पे ये लग गई लाइट, और अंधेरा देखो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और आजकल तो वैसे भी 6 बजे नहीं के अंधेरा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 10-11 बज रहे हों। बस चूल्हा भी हमारा साथ दे दे तो है। इस पे खाना अच्छे से बन जाए बस। और पापा का भी बहुत टाइम से मन था, लाइट आ गई, ठीक है बन जाओ। हाँ, लाइट आ गई। सो गाइस, फाइनली चूल्हा जल गया है, और यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि लकड़ियाँ हमने चीरी नहीं है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े नहीं करे लकड़ियों के, पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जलेंगी भी या नहीं इतनी जल्दी से, लेकिन फाइनली जल गई थी। और यहाँ पे मम्मी कोयले लगा रही है इसके अंदर, क्योंकि हमें चिकन भी इसके ऊपर भूनना है, तो इसलिए इसको भी जला देते हैं साथ साथ में, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। और मम्मी यहाँ पे भी वही बात कर रही थी कि जब ऊपर खाना बनाओ तो नीचे से ऊपर का बहुत ज़्यादा रट्टा रहता है, वही कि नीचे से सारा सामान लेकर के आओ, फिर सारा ऊपर बन जाए, फिर उसके बाद नीचे लेकर के जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा फैला रहा हो जाता है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सैलून से लड़की को निकलते हुए तो देखा ही होगा, उसके बालों को फ्लुएंट करते हुए भी देखा होगा, ऑब्वियसली देखा ही होगा, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है,
क्या इसने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है या फिर केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना, एक्सेट्रा, और क्या ये ट्रीटमेंट वर्थ करती भी है या नहीं, इसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम भी लगता होगा। तो गाइस मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप घर में ही हेयर स्पा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कंफर्ट के साथ में। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को एनालाइज करना होगा अपने बालों को कि आपके बालों को किस चीज की जरूरत है। अगर आपके बालों में से प्रोटीन खत्म हो गया है तो आपके बालों को केराटीन की जरूरत है, या फिर आपके बालों को नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि हेयर फॉल है, फ्रीजी हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, और भी बहुत सी चीजें, या फिर आपके बाल शाइनी नहीं है, सिल्की नहीं है, बाउंसी नहीं है, तो आप लोगों को जो है हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो जी न्यूट का हेयर स्पा ट्रीटमेंट हर तरह के बालों को सूट कर जाता है। सो गाइस ये है मेरे पास न्यूट का 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट। अब आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल ये होंगे कि हेयर स्पा तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो एवरी वीक एवरी मंथ हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। सो गाइस बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एकदम बजट फ्रेंडली हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ। सो गाइस ये है न्यूट का 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट। तो इसमें हमें 4 स्टेप्स मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से हैं और इनको किस तरह से हमें यूज़ करना है और कितने कितने टाइम तक हमें यूज़ करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कितने टाइम तक हमें अपने बालों में लगाए रखना है। ठीक है, तो बस हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आता है जो है स्क्रब। इस स्क्रब को अपने वेट हेयर्स में आपको लगाना है, 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, क्योंकि इसमें मिला है कॉफ़ी बीन्स जो आपके बालों को, स्कैल्प को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। और उसके बाद 3 मिनट तक मसाज करने के बाद में आपको ल्यूक वार्म वाटर से इसको वॉश कर लेना है। सो गाइस अब सेकेंड स्टेप आता है शैम्पू का, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके यूज़ से बालों में जो सीबम होते हैं उसको रिमूव कर देता है, जो हेयर स्कैल्प को ऑयली करता है और आपके बालों को पॉल्यूशन से बचाता है, डर्ट से बचाता है। तो इसके इतने सारे फायदे हैं। तो आपको शैम्पू करना है और उसके बाद अपने बालों को जो है जेंटली मसाज करने के बाद में ल्यूक वार्म वाटर से इसको वॉश कर लेना है। तो शैम्पू करने के बाद में अब थर्ड स्टेप हमारा आता है कंडीशनर का, जो कि आपको हमेशा अपने बालों की लेंथ पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों को शाइनी बाउंसी लुक देता है। कंडीशनर आपको अपने गीले बालों में लगाना है, 3 मिनट तक रखना है, उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर से साफ कर लेना है। इसमें हिबिस्कस है जो कि आपके बालों में मेलानिन क्रिएट करने में हेल्प करता है एंड नेचुरल शाइन और बाउंसी लुक देता है, और इसमें केराटिन है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। एंड फोर्थ स्टेप हमारा आ जाता है सीरम का। तो जब आपका शैम्पू और कंडीशनर हो जाता है ना, तब आपको अपने ये डैम्प हेयर पे यूज़ करना है, तो सीरम लगा कर उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपके बालों में ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इस सीरम में ऑर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो आपके बालों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है एंड डैंड्रफ को भी दूर करता है और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि हेयर स्पा का मतलब होता है अपने बालों में हाइड्रेशन देना, जिससे आपके बाल स्मूथ और शाइनी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हेयर स्पा कंप्लीट होता है 4 स्टेप्स के साथ में। अगर आप लोगों को ये परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो जी इसका प्राइस 355 रुपीज है, और ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंट में चाहिए तो आपको ये www.everton/nude.com पर मिल जाएगा। सो गाइज आप इसको यूज करके देखिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। जब मैं सारा सामान एक साथ में ही ले आई, मतलब मटन को बनाने वाला और फिर उसके बाद मैं जो है खाने पीने वाला बर्तन वगैरह जो भी मुझे लाने होंगे वो मैं बाद में ले आऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं मटन को भगार देती हूँ,
तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था चूल्हे पे खाना बनाना। वैसे मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी बनाओ, मम्मी बोलती है कि नहीं तू ही बना, तो बस यहाँ पे अभी मटन बना देते हैं, तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और चूल्हे पे बनाया हुआ मटन या फिर पुलाव वगैरह इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। यही चीज़ नहीं, नॉनवेज ही नहीं, वेज चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ भी बना लो चूल्हे के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। बाजरे की रोटियां भी सर्दियों के टाइम पे आप खाओ, और भी चीज़ें जो होती हैं बहुत टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें जो है ना धुएं का जो फ्लेवर आ जाता है ना, और ज़्यादा चल, मस्त ऊपर से तो लगता मैं आ है। गई, तो मैं मटन को तो अच्छे से छौंक आई हूँ, तो बनाने के लिए रखे तो मम्मी देख लेंगी जब तक मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे मैरिनेट करके रखना था चिकन को। तो ये भी मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं इस तरह से, ये अभी बस इसको मैरिनेट करके फिर रख देती हूँ फ्रिज में। चलिए बस अभी चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया, और बहुत सारा लिया है मैंने यहाँ पे, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, नींबू का रस, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करी थी। और फूड कलर तो कहीं कहीं पे स्किप हो गया होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैंने बता तो दिया ही आप लोगों को, और हुरैन की भी आवाज़ आप लोगों को साथ ही साथ में आ रही होगी, क्योंकि ना उसके लिए कार्टून लगाए हुए हैं, लेकिन कार्टून की जो आवाज़ है ना वो म्यूट कर दी गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है वो, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करना था ना, इसीलिए मैंने थोड़ी सी म्यूट कर दी उसके लिए, और वो यहीं पर ही खेल रही है। तो बस यहाँ पर सारा मैंने इसका जो मिक्सचर है वो रेडी किया, उसके बाद यहाँ पे चिकन में जो मैंने कट्स लगाए हुए थे वो इसमें डाल दिया है, डिप कर दिया, अच्छे से लगा दिया है अंदर तक। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाला है इसमें, रिफाइंड ऑयल, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे जो है ना कॉर्नफ्लोर डाला है, क्योंकि ना दही जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था, मैंने इसका जो है ना पानी नहीं निकाल पाया था, वैसे मुझे पानी निकाल देना चाहिए था इसका, लेकिन कोई नहीं, हमने कॉर्नफ्लोर डाला, बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद बस यहाँ पे आ गई मैं। आपको पंखा चलाना कैसा लग रहा है? पंखा चलाना मुझे सबसे अच्छा चीज लग रहा है कि आज चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे होरेन भी मेरे साथ में आ गई, क्योंकि होरेन पहले सो रही थी, तो उसको भी मैं ऊपर ही ले आई हूँ। और यहाँ पे हम ये यहाँ पे कोयले सुलगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि और भी एक्स्ट्रा वाले जो कोयले हैं ना वो जल जाए। और यहाँ पे देखो हुरैन बैठी हुई है, क्योंकि मम्मी ले आई थी, मैं थी, क्योंकि उनको जो है ना सुबह के लिए तैयारी रात से ही करनी पड़ती है, तो यहाँ पे सब्जी बन रही है धीरे धीरे, और साथ ही साथ में मम्मी यहाँ पे मेथी भी तोड़ती जा रही है, और ये सुबह से ही जो है ऐसी ही चिड़चिड़ा रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसको हल्का हल्का रात में जो है ना फीवर भी आ गया था हुरैन को, तो इसलिए जो है ना ऐसे ही चिड़चिड़ा रही थी वो तो। और बच्चे जब सो के उठते हैं तो चिड़चिड़ाते ही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बस सबका प्यार मिल जाए हमें, और सबकी गोदियों में ही रहते हैं वो, तो बस ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि हमारा सा जो मटन है वो गला है या नहीं। यहाँ पे बॉय भाई भी आ गए थे मार्केट से, तो यहाँ पे हमने वो भी स्टार्ट कर दिया है अपना बारबेक्यू बनाना, तो यहाँ पे चिकन के पीसेस सारे लगा दिए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे, तो टाइम लगता है इसमें भी गलने में, तो इसलिए जो है बॉय भाई को ये सारी चीज़ें करना बड़ा अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लड़कों को आप लोगों ने देखा होगा कि घर में ना ये चीज़ें करना उनको अच्छा लगता है, बस वो भी आ गए थे, तो यहाँ पे वो भी लग गए हैं कि लाओ मैं करता हूँ। तो बस यहाँ पे अभी चिकन को ऑयल लगाएंगे उसके ऊपर से, और इसको जो है ना धीमे धीमे आंच पे ही सेकना पड़ता है, तभी चिकन अंदर से गलता है और ऊपर से मतलब ज़्यादा ब्लैक नहीं दिखता है, क्योंकि हमें चिकन को रोस्ट कर रहे हैं, अगर हम फ्राई करते ना तो जो है कलर ठीक आता है, लेकिन रोस्ट करते हैं ना तो कलर जो है ना ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बातों बातों में जो है ना सब्जी भी बन गई है, तो मैंने उसको नीचे उतार के रख दी है। अब मैं जा रही थी आटा लेने के लिए, तो बस वो सारी चीज़ें मैं यहाँ ऊपर ले आई हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं लेकर के आई थी कसूरी मेथी भुनी हुई, क्योंकि ना मैं लास्ट में जो है डालना भूल गई थी, और यहाँ पे सारे पीसेस बॉय भाई ने
इसमें लगा दिए थे, तो फिर लास्ट में मैंने डाल दिया था। खैर और भी पीसेस बचे हुए थे तो उनमें टेस्ट आ जाएगा, खैर कोई नहीं। तो बस यहाँ पे अभी साथ साथ में जो है चिकन भी हमारा भुनता जा रहा है, तंदूरी चिकन। और बस यहाँ पे अभी मैं आटा लगा दे रही हूँ। तो कुछ लोग जो है ना बोल रहे हैं कि हमें बाजरे की रोटी खानी है, और कुछ बोल रहे हैं कि हमें आटे की ही खानी है, क्योंकि मुझे तो देखो भाई बाजरे की रोटी पसंद नहीं है। हाँ, जब हम गाँव में जाते थे ना, तो उस टाइम पे मम्मी हमें मलीदा बना करके देती थी, इसका गुड़ डालकर, मतलब रोटियों को चूर चूर करके एकदम बारीक, और उसके ऊपर घी और उसमें वो डालते थे गुड़, तो बहुत टेस्टी लगती थी मुझे, तभी मैं खाती थी। लेकिन अभी मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ पे जो है चिकन का एक पीस पापा को दिए सबसे पहले ट्राई करने के लिए, तो पापा बोल रहे हैं अभी कच्चा है ये, इसको और गलाओ, अभी अच्छे से गला नहीं है ये। तो बस यहाँ पे अभी हमारा खाना भी बन गया है, चाचा को भी बुला लिया है, हुरन थोड़ी देर के लिए सो गई थी यहाँ पे, तो वो भी उठ गई है, तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि ये चले गए हैं भैया के घर, और मैं इसको लेकर नीचे आ गई। तो बस अभी मैं जाती हूँ ऊपर, रोटियाँ सेकूँगी, मतलब मम्मी के साथ हेल्प करवाऊँगी, चूल्हे पे मुझे बनानी तो आती नहीं है, तो मम्मी के साथ हेल्प करवा लूँगी बस ऐसे ही, क्योंकि चूल्हे की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दियों के टाइम में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है चूल्हे के पास बैठ के, बढ़िया गर्मा गर्म रोटियाँ खाओ, है ना। अच्छा, किस किस को पसंद है चूल्हे का खाना, कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी जो है सब लोग बैठे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं। सो गाइज, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत टाइम के बाद जो है चूल्हे पर खाना बनाया, तो बहुत मज़ा आया सबके साथ में, सबने हेल्प भी की है सामान लाने में ले जाने में। तो ऐसे ही बस मोहब्बत परिवार में बनी रहे, और क्या चाहिए इंसान को, है ना। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए गाइस, फिर इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में, इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। और आगे आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो क्या लाऊँ, ठीक है।